हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाने सिखाएंगे आलू कोफ्ता। देखिए कितने यमी और डिलीशियस दिख रहे हैं, खाने में भी आपको जरूर पसंद आएंगे। जब कोई मेहमान आए और हमें कुछ स्पेशल बनाना हो तो बहुत ही कम सामान में ये वेजिटेबल्स हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक खाली बाउल लिया है, इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन लेंगे। बेसन को हम छान लेंगे। हमने छना हुआ बेसन लिया है। 1/4 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। इसको हम पानी डालकर घोलेंगे और बैटर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। इस तरह बैटर को हम रख देंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमने कोफ्ता बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें हम मैश कर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहो तो मैगी मसाला भी इसमें डाल के बना सकते हो। इस तरह हमें बॉल्स बनाने हैं। सारे बॉल्स हम इस तरह बना लेंगे। बनाने में भी सरल और खाने में बहुत ही टेस्टी। जिन लोगों को मंचूरियन पसंद है वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। इस तरह सारे बॉल्स बन गए। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हमने 2 टमाटर पके हुए बिल्कुल रेड और 1 बॉइल्ड आलू, इससे ग्रेवी में शाइनिंग आएगी और कलर थिकनेस भी बहुत अच्छा आएगा। 2 हरी मिर्च, आप लहसुन अगर पसंद करते हो तो आप ग्रेवी में डाल सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 इंच ग्रेवी हमने फाइन ग्राइंड कर ली है। ऑयल हमने गरम करने रख दिया था, जिसमें हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम बेसन में कोफ्ता डिप करके एक एक कोफ्ता हम इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल हमें अच्छा गरम करना है। फिर गैस को हम मीडियम कर देंगे। देखिए इस तरह बबल्स ऑयल में आ रहे हैं, इसका मतलब है तेल हमारा अच्छा गरम है। बहुत ही कम सामान में इस रेसिपी को हम बना सकते हैं। एक बार में जितने बॉल्स आएंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम इन्हें टर्न करेंगे, इससे ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। देखिए अच्छे से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और दूसरी बैच के भी कोफ्ते हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। पैन हमने गर्म करने रख दिया है। इसमें हम वेजिटेबल्स बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच हम कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा,
दो प्याज चॉप्ड की हुई इसमें हम ऐड कर देंगे और इन्हें 2 मिनट पकाएंगे। देखिए अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करते हैं। ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी क्योंकि इसमें आलू हमने ऐड किया है, तो हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और जार को अच्छे से सेक कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह सारी ग्रेवी हमने ऑनियन के साथ मिक्स कर दी है, इसे हमें पकाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप मिर्च की मात्रा और बढ़ा सकते हो। इस तरह देखिए हम यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। ग्रेवी का कलर देखिए काफी बदल चुका है। इस तरह हम इसको पकाएंगे। देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी ऊपर दिखने लगा है। आपको ग्रेवी साइनी साइनी दिख रही होगी। हम वेजिटेबल सेमी लिक्विड बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे, जिससे ठंडे होने पर ग्रेवी ज्यादा थिक ना हो, एक सी रहे। इस तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे। आफ्टर 2 मिनट हम देखते हैं ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी और इसमें हम बॉल्स ऐड कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा ग्रेवी पतली है, बट धीरे धीरे देखिए इसमें चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि ठंडे होने पर ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है। इस तरह हम ढककर 2 मिनट पकाएंगे। देखिए अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करते हैं। और गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट वेजिटेबल्स बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। इस तरह हम प्लेट में बॉल्स रखते जाएंगे। देखिए ग्रेवी
इसके ऊपर हम फैलाएंगे। देखिए ये मुंह में पानी आ रहा है, बिना खाने के भी ये सब्जी हम टेस्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत डिलीशियस, आप बिना रोटी के भी ये सब्जी खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह क्रीम इस पर थोड़ी स्प्रेड करेंगे तो जिससे बाजार जैसी दिखेगी। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, देखिए